हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में सब लोग ठीक हैं। तो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे मॉर्निंग के जितने भी सारे काम होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो होते हैं वो ही, बाकी इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, पर जो रेगुलर के हर एक मतलब घर के लेडीज़ के जो काम होते हैं वही मेरे घर में भी होते हैं। तो देखिए, मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं सब्ज़ी पहले ही बना चुकी थी, उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं किया, वो उस टाइम मैं भूल गई थी। तो फिर मैं जब आटा लगाने लगी तब मैंने कहा कि तब वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने आटा गूँथने के बाद फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, रोटी बना के सबको खिला दूँगी, उसके बाद फिर मेरे शुरू हो जाएंगे सारे घर के काम। तो देखिए, मैंने अभी तवा को वॉश कर लिया। वैसे तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ हमेशा ही, पर फिर भी जब भी कोई भी चीज़ बर्तन यूज़ करना होता है मॉर्निंग में, तो मैं हर एक बर्तन में पानी ऐसे घुमा के, हाथ घुमा के फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात को जो होते हैं ना कॉकरोचेस हर बर्तन में या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर इधर उधर फिरते होंगे, तो इसीलिए मैं हमेशा ही उसको मतलब वॉश करके तभी यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं फटाफट यहाँ पर रोटी बना लूँगी और सबको खाना दे के उसके बाद फिर मेरे घर के काम शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग जो लेडीज़ होंगी उनको तो पता ही होगा, जो घर में मतलब जो हाउस वाइफ होंगी तो उनको पूरा पता होगा कि मतलब घर के कितने सारे काम होते हैं। वो हम लोग तो पूरा वीडियो में नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरे डेली रूटीन देखनी है, ब्लॉग देखने हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने दिनों से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। तो देखिए, मैंने फटाफट रोटी बना ली, उसके बाद साथ में मेरे साथ के साथ ही जितने बर्तन होते हैं वो पहले ही वॉश कर लेती हूँ, बाद में जो खाना खाने के बाद जो बर्तन बचेंगे वो मैं बाद में लास्ट में धो लेती हूँ। तो देखिए, मैं फटाफट यहाँ पर बर्तन भी वॉश कर लूँगी, जितने बर्तन होंगे वो वॉश कर लूँगी। तो मेरे बर्तन मतलब बहुत थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, घर में हम लोग हैं तो मतलब कहने के लिए तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग चार जाने ही हैं, पर फिर भी बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं कि जैसे आठ दस जाने का मतलब खाना बना हो, क्योंकि इसीलिए मेरे घर में ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर जो है कि दूध ज़्यादा आता है, उसके कारण हमारे घर में बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ के साथ मैं बर्तन बर्तन रखने वाले जिसमें मैं बर्तन डेली रखती हूँ धुल के, तो उसकी टोकरी को भी मैं डेली वॉश करती हूँ, या तो सुबह जब वॉश कर लूँगी तो शाम को मतलब नहीं करूँगी। अगर सुबह मेरे को टाइम नहीं मिला या फिर मन नहीं किया या फिर भूल गई, तो फिर वो मैं शाम को ज़रूर कर लेती हूँ, मतलब मेरा डेली एक टाइम वॉश करना ही है इसे, तो इसको मैं पहले वॉश कर लूँगी। तो देखिए, पहले इसको अच्छे से वॉश करके इसको रख लूँगी, फिर इसके अंदर। वैसे आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, थोड़ा लेट उठी, तो इसीलिए आज मेरे को सभी काम करने में थोड़े मतलब टाइम ज़्यादा लग गया था, तो फिर भी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी आँख नहीं खुलती है तो कभी 6 भी बज जाते हैं, तो वैसे मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। जैसे आज मैं 6 बजे उठी, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने अपना काम तो कर ही लिया, तो काम तो करना ही है चाहे जैसे मर्जी, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई थी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं जैसे मैं भी 4 बजे उठूँ, पर हो नहीं पाता, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और आपके साथ फिर मैं जब 4 बजे उठा करूँगी तो आपके साथ पूरे डिटेल में मतलब आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है सुबह जैसे मॉर्निंग में ऐसे ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो, और उस टाइम उठ के नहा धो के मतलब काम वगैरह करके नहा धो के पूजा पाठ करूँ, कितना अच्छा लगता है। तो वो भी मैं भी सोच रही हूँ कैसे करूँ, पर छोटा बच्चा भी है तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, पर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे भी मतलब जल्दी उठना
एक अपनी आदत में लेकर आऊँ। तो देखिए ऐसी बातें करते करते मैंने मतलब अपने बर्तन तो आधे धुल ही लिए, आधा काम रह गया है। तो पहले मैं सिंक को धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद इसके अंदर बर्तन रख के। हमेशा मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ तो टैप को ज़रूर वॉश करती हूँ। उसकी वजह से पता है क्या है, डेली वॉश हम अगर उसको वॉश करते रहेंगे तो कभी भी उसके अंदर मतलब ना गंदगी जमा नहीं होगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि डेली का डेली हम लोग सफाई करेंगे तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं। मैंने कई देखा है, मैंने जैसे यूट्यूब पे कई लोगों के वीडियो देखे कि ऐसे उनके टैप इतने गंदे होते हैं, मतलब सिंक भी इतना गंदा है तो उनको स्पेशल साफ़ करते हैं। पर ऐसा मेरा कुछ नहीं है, मैं करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, पर मेरा सिंक पहले से साफ़ रहता है, टैप भी साफ़ रहता है क्योंकि मैं रेगुलर उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो देखिए बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए और इधर मैंने जो कल कपड़े वॉश किए थे तो वो सूख गए थे, तो मैं रात को ले आकर रख दी थी, तो उसी को फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। तो कपड़े फोल्ड करने का भी मैंने मतलब मैं अच्छे से फोल्ड करती हूँ कि ऐसे बिखरे नहीं। देखिए अच्छे तरीके से, आप लोग बताइएगा अगर आपको कपड़े फोल्ड करना सीखना है तो उसके रिलेटेड मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कपड़े कैसे फ़ोल्ड करें कि अलमीरा में रखें तो कभी मतलब ख़राब ना हो। अच्छे से ऐसे फ़ोल्ड करके मैं रखूँगी हर एक कपड़े को, मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ उनके मतलब एक हर एक कपड़ों के लिए एक एक ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बना के रखा है। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको जानना है कि हम मैं कैसे रखती हूँ कपड़े तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ऐसे करके मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे और मेरे कपड़े भी भीग चुके हैं, मैंने बर्तन धुले तो उसकी वजह से मेरे कपड़े भीग गए। तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए मैं बातों बातों में ही मेरे कपड़े सारे फोल्ड हो गए और मैं इसको सभी को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। जिसके कपड़े हैं जहाँ पे जिनके कपड़े रखे हैं वहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, आज मेरे को बेड के सारे जो बेडशीट हैं वो चेंज करने थे तो मैं सभी बेडशीट निकाल रही हूँ। मेरे मतलब दो बेडरूम हैं तो दो बेडरूम में मैं चेंज कर दूँगी और एक ये जो लॉबी में है बेड सिंगल बेड है तो इसे भी चेंज कर लूँगी। तो देखिए मैंने फटाफट ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, तो जब मुझे मतलब जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे उस दिन जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट की थी उस दिन छुट्टी थी, तो इसीलिए फिर मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैं ये वाली बेडशीट बिछाऊं, तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट निकाली। और देखिए मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमता रहता है, ये तो इतना तंग करता है ना, जब मुझे सुबह जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ तो वैसे ये साथ में ही उठ जाता है और जब चिल्लाता रहेगा मेरे को, मतलब ये चाहता है कि मेरे पास रहो, कहीं जाओ मत मुझे छोड़ के। तो देखिए साथ के साथ मैं कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बेडशीट इधर वाले रूम के भी जिसमें मेरे फादर इन लोग मतलब सोते हैं तो उस बेड रूम का भी मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। वैसे तो आज मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं सब्ज़ी की रेसिपी जो थी वो दिखाना भूल गई थी। क्यों ऐसे हुआ कि मैं जब सब्ज़ी बना के अपने हस्बैंड के पास जैसे गई थोड़ा ऐसे बात करने, वो बैठे हुए थे मतलब वो भी सो के उठे थे, तो वैसे ही बातों बातों में अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ऐसे ही कुछ बोल दिया तो हमारी थोड़ी अनबन हो गई, तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने कहा कि मैं अब ज़रूर कुछ करके ही दिखाऊँगी अब आपको। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो, मैंने फिर गुस्से में आके तब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। और साथ के साथ मैं थोड़ी डस्टिंग भी कर लेती हूँ, ये रेगुलर है मेरी थोड़ी बहुत ही, जैसे यहाँ कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की डस्टिंग कर लेती हूँ तो ऐसे साफ़ सुथरा रहता है घर, देखने में भी अच्छा लगता है, हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो ये मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और एक चीज़ आपने जो देखा होगा नोटिस किया होगा तो कि जैसे पहले हमारे जो सोफ़े थे जो बाहर लॉबी में रखे हुए थे तो वो अब सोफ़े वहाँ से हट चुके हैं, तो एक जिस रूम में अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ तो एक तो इस रूम में रख दिया है और एक उधर छोटा सा रूम खाली था तो एक सोफ़ा उसमें रख दिया और टेबल भी साथ में वहीं पे रख दिया। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें सोफ़ा इधर करना पड़ा। तो देखिए मैं अपने रूम में आ गई तो देखिए मेरे बेटे ने क्या हाल कबाड़ा कर रखा है मेरे रूम का, रोज़
ये रोज का यही काम होता है इसका, रोज ऐसे रूम का सत्यानाश कर देता है ये। पर बच्चा है, क्या कर सकते हैं, सभी बच्चे ऐसे होंगे। अगर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी मैरिड होंगे तो उनको भी पता होगा कि छोटे बच्चों के साथ जैसे घर संभालना कितना मुश्किल होता है। और ये देखिए कितने मज़े से अपना टीवी देखने में लगा हुआ है, कार्टून देख रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया था, वैसे तो इसको ज़्यादा टीवी फ़ोन तो इसको बिल्कुल भी नहीं देते, फ़ोन तो ये इस मतलब देखता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, इसको फ़ोन के बारे में पता ही नहीं है। पहले थोड़ा देखता था, पहले थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो डॉक्टर ने मना किया, इसके ना आइज में थोड़ी ड्राइनेस आने लग गई थी तो डॉक्टर ने इसका फ़ोन बंद कर दिया, तो फ़ोन बंद कर दिया। वैसे तो टीवी देख सकता है, तो मैंने टीवी इसको लगा के दे दिया था थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा ही देखता है कि जब तक मैं अपना काम कर लूँगी नहीं तो ये मेरे को काम भी नहीं करने देगा। अभी आपने देखा ही था मेरे साथ साथ घूम रहा था जब मैं वहाँ पे बेडशीट बिछा रही थी बाहर, जो सिंगल बेड है तो वहीं पे घूम रहा था। तो अभी आया तो रोटी भी इसको मैंने दे दी है, तो हाथ में लेके रोटी भी खा रहा है, इसके हैंड वॉश मैंने करा दिए थे तो अब खा रहा है बैठ के। और इसे सभी टॉयज़ या फिर इसके कलर्स के लिए या फिर टॉयज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए मैंने एक स्पेशल एक डब्बा रखा हुआ है, जिससे मैं इसके मैं सारे कलर्स वगैरह एक डब्बा रखा है जिसमें कलर्स वगैरह रखती हूँ। दो तीन डब्बे इसके टॉयज़ वाले हैं तो उनमें सब ऑर्गेनाइज ऐसे मतलब सब इकट्ठे करके रख दो तो फटाफट हो जाता है और घर में ज़्यादा खिलारा भी नहीं लगता। तो देखिए मैं साथ मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी डस्टिंग कर लूँगी, पता क्या ये जो दीवार है ना तो इन पे सब पे डस्ट जमा हो जाती है, तो वो मुझे दो तीन दिन में मतलब इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो एक कपड़े से मैं लेके इसको अच्छे से रगड़ दूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि थोड़ी डस्ट जमी हुई है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सबको कर दूँगी। और इसके टॉयज़ तो सब जगह ही फैले रहते हैं और ये बड़े आराम से लेटा हुआ है। बच्चों की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, हम जब बच्चे थे तो सोचते थे शायद काश हम लोग बड़े हो जाए, कब बड़े होंगे कब बड़े होंगे, और जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो फिर अब सोचते हैं काश हम बच्चे ही होते तो लाइफ कितनी अच्छी होती, क्योंकि बड़े होने के बाद जब मैरिज हो जाती है खासकर तब तब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हर एक चीज़ मतलब कितना मुश्किल होता है घर संभालना, बच्चों को देखना और वो भी अकेले, तो बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब तो फिर भी बड़ा हो गया, अब चार इस सितंबर में 22 तारीख का इसका मतलब 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो वैसे अब स्कूल जाता है, मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। घर के जो डेली के काम होते हैं तो देखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ही है, कपड़े हैं बस, उसके बाद क्या है सारा दिन फ्री रहती हैं। पर जो हाउस वाइफ है उन्हीं को पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं छोटे मोटे, और तो ये तो रेगुलर है ही हैं और छोटे मोटे भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं भी वीडियो में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर जितना हो सके उतना ही दिखा रही हूँ, पर ऐसे में बहुत काम होते हैं। और अब मैं अपनी बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, तो देखिए मैंने गद्दे के ऊपर जो है ना एक कपड़े का सी के रखा हुआ है, जिसे हम लोग मतलब भोजपुर में हम लोग लेवा या गुदरा बोलते हैं, तो मैं डेली बिछा के रखती हूँ। बाथरूम तो नहीं करता, आप लोग शायद सोचेंगे कि मेरा बेटा बाथरूम करता होगा इसीलिए बिछाया, नहीं पर ये मैंने इसलिए बिछाया कि जैसे ना मेरे गद्दे दो हैं आपने देखा ही था, तो दो हिस्से हैं इनके तो अलग अलग हैं, तो जब ये सोते हैं हम लोग ना तो ये गद्दे कई बार क्या होते हैं खिसक के अलग अलग हो जाते हैं, तो बीच में जो क्या है कि थोड़ा गड्ढा सा हो जाता है, तो उसके कारण मेरे बेटे को मतलब थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ सोने में तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए जब ये बिछा देती हूँ ना तो इसके कारण क्या होता है कि गद्दे ना इधर उधर हिलते नहीं हैं, तो एक जगह पे मतलब टिके रहते हैं, तो उसको सोने में भी तकलीफ़ नहीं होती, तो इसीलिए मैं हमेशा उसको बिछा के रखती हूँ। इस रूम की क्लीनिंग करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सारा दिन तो इसी में खेलता रहता है और तो ज़्यादा सामान इसी में फैलाता है, तो उन्हीं को समेटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए इस रूम का वीडियो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा होगा आगा कि इसी रूम में कर रही है, पर क्या करूँ, मैंने एडिटिंग मतलब करके काफ़ी मैंने कट करके भी निकाला है, पर फिर भी ये सब तो जैसे थोड़े दिखाने वाले हैं तो इसीलिए फिर मैंने रख दिया। तो देखिए साथ में अब मैं झाड़ू ले आई हूँ, तो अब झाड़ू लगा लूँगी साथ के साथ अच्छे से, और मैं बेड के नीचे हमेशा बेड के नीचे पोछा झाड़ू हमेशा ही लगाती हूँ, हमेशा ही साफ़ रहता है,
मतलब कई लोग क्या होते हैं, अगर मेड वगैरह भी होती हैं तो वो क्या करती है ना, ऊपर ऊपर से जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं पे बस झाड़ू पोछा लगा के चली जाती हैं, तो नीचे से बेड के नीचे से कितनी गंदगी जमा होती है तो वो जब साफ करो तभी पता लगता है। पर मैं नहीं, मैं हमेशा डेली नीचे से सफाई करती हूँ क्लीनिंग, तो हमेशा मेरे बेड के नीचे सफाया साफ़ ही रहता है। तो देखिए मैं इधर फिर से अपने डैडी जी के रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो उधर जिस तरफ मैं गई थी उधर पूजा रूम है, तो पूजा रूम के लिए मैंने अलग से झाड़ू लगा रखा है। जहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है वहीं पे सामने एक झाड़ू टंगी हुई है, तो उसी से मैं अपने मतलब पूजा रूम की क्लीनिंग करती हूँ। ये झाड़ू मैं पूजा रूम में नहीं लेके जाती, तो वो भी मतलब पूजा रूम भी इधर ही जहाँ से मैं निकली हूँ अभी रूम में झाड़ू लगा के उधर ही है। और इधर बाहर लोबी में आपको दिखाई दे रहा होगी कोई सो रहा है, पर अगर आपको इनके बारे में जानना है कि ये कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि प्लीज़ हमें इनके बारे में बताइए, तो मैं आपको इनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो इधर मैं अब किचन में आ गई हूँ, किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। सब जगह झाड़ू, मतलब हम हाउस वाइफ का काम ही क्या है, बस सुबह उठ के बस ये घर के सारे काम निपटाओ जल्दी जल्दी। और देखिए जब जो मैं बोल रही थी कि मेरे सोफ़े हट गए हैं, तो देखिए जिस रूम में मैं अभी गई हूँ तो उसी में एक सोफ़ा और टेबल लग चुका है। तो और एक तो आपको मैंने दिखाया बताया था कि इधर जो डैडी जी का रूम है उसी में एक सोफ़ा लगा हुआ है, तो उधर भी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और बाहर बस पूरा खाली कर दिया हमने, तो ये इसीलिए खाली किया है ना कि भाई हमें खुला डुला चाहिए था, तो वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी कि हमने ये क्यों किया खाली। तो वैसे आपको तो वीडियो देख के तो पता लग ही रहा होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही रहा होगा, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी फिर मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। हमारा देखने में तो जैसे लगता है कि घर छोटा सा है पर है बड़ा, पर क्या है ना कि इसका आधा पोर्शन तो जो है ना कि हमारे दुकान में चला गया है, क्योंकि हमने दुकान खोली हुई है जो जनरल स्टोर है, मतलब इसी में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ इसी में काम करते हैं। तो फटाफट मैं देखिए झाड़ू लग गया, उसके बाद मैं क्या करती हूँ सिंक की डेली क्लीनिंग करती हूँ, तो मतलब इसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से वॉश करके, और एक सूखे कपड़े अच्छे से वाइप कर लूँगी। ऐसे क्या है कि जो पानी का जो दाग होता है ना टैप पे तो वो नहीं लगता है, तो डेली अगर करते हैं तो इतना मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं आती डीप, जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो आसानी से मतलब हो जाता है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, और कोई स्पेशल प्रोडक्ट भी नहीं लेना पड़ता है कि हाँ इसके लिए सफाई के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट ये है वो है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतने हमारे पास बजट नहीं है। हाँ अगर बजट होगा जिस हिसाब से होगा तो उस हिसाब से हम लोग ज़रूर करेंगे। और ये साथ में जो सीढ़ियों के नीचे एक बाथरूम बनाया हुआ है जो कि नहीं बनाना चाहिए, पर चलिए क्या ये हमारा घर जो है ना काफ़ी साल पुराना है, जैसे 25 साल हो गए इसको बने हुए, तो उस टाइम तो ऐसे ही चलता था, तो इसीलिए ऐसे ही बना हुआ है नीचे एक छोटा सा वॉशरूम। इसे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ऐसे, और इसकी भी क्लीनिंग मैंने कल कर रखी थी तो इसीलिए आज इसकी बारी नहीं है, आज ऊपर वाले बाथरूम की क्लीनिंग की बारी है। तो देखिए मैं ऊपर वाले बाथरूम में आ गए हैं, तो इसको भी मैं नॉर्मली ऐसे ही वॉश करती हूँ, जैसे हफ्ते दिन में वीकली मैं एक बार ऐसे वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो डेली बस टॉयलेट पे हार्पिक डाल के उसको क्लीन कर देना है। और जो बाथरूम होता है तो उनको हफ्ते में एक बार ही क्लीन कर लेती हूँ, वो भी नॉर्मली ऐसे ही, अगर डीप क्लीन करनी होती है तो महीने में एक बार अच्छे से जैसे टैप को अच्छे से मतलब चमका के अच्छे से करना होता है, तो वैसे ऐसे तो मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के ऐसे सारे टाइलों को रगड़ दिया मैंने, हफ्ते में ही मेरा यही काम होता है कि एक बार हफ्ते में ऐसे टाइम निकाल के मैं ऐसे कर लेती हूँ, जबकि जैसे सर्फ मैंने इसमें जग में घोल लिया है और सभी जगह इसको रब कर दूँगी, उसके बाद पानी से वॉश करके ईज़िली मेरा बाथरूम क्लीन हो जाएगा। तो बस नॉर्मली मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ, और जब डीप क्लीनिंग करना होता है उस टाइम मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम स्पेशली निकालना पड़ता है जिस दिन, मान लीजिए एक दिन पोचे का जैसे
पोछा लगाना तो वो स्किप करना पड़ता है जब डीप क्लीनिंग करनी होती है बाथरूम की। तो फ़िलहाल आज तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। और आप देखेंगे कि मैं हाथ में ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने हूँ, तो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के ही वॉश कर रही हूँ ऐसे टाइल्स को, तो इसीलिए उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर थोड़े केमिकल वगैरह थोड़ा हार्पिक मिक्स करके करना होता तब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। उसके लिए मैंने ग्लव्स भी ले रखे हैं, पर मैं ज़्यादा ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ जो, क्योंकि हफ्ते में मेरे को ऐसे ही क्लीन करना था, तो वैसे ही टाइल्स सभी साफ़ रहती हैं तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि मेरा बाथरूम जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया तो साफ़ ही था, मतलब गंदा नहीं था। तो देखिए ऐसे ही मैं कर लूँगी साफ़। और साथ में इस जितने भी बाल्टियाँ वगैरह जो बाथरूम में यूज़ करते हैं उसको भी मैं साथ में ही वॉश कर लूँगी अच्छे से। टाइल्स रगड़ने के बाद पहले फर्श को भी मैं इसी डिटर्जेंट से रगड़ के उसको देख साफ़ करूँगा। देखिए टाइल्स वगैरह कितने अच्छे से चमक गए हैं। टैब वगैरह को भी मैंने डिटर्जेंट से क्लीन किया नॉर्मली ऐसे कुछ। उसके बाद मैं पानी भर रही हूँ कि मैं नहाने के बाद फिर मैं कपड़े ऐसे फैला लूँगी। देखिए मैंने आज हेयर वॉश किए हैं क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मैंने हेयर वॉश कर लिए थे। और मैं बाथरूम जब भी क्लीन करती हूँ तो फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ डेली, मेरा यही है। उसके बाद मैं खाना खाने आ गई हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह से मैं चाय तो एक पीती नहीं हूँ, तो सुबह से भूखे ही सारा काम करना था। तो फिर खाना खा लिया, पहले मैंने पूजा कर लिया, वो मैंने शूट नहीं किया तो सीधा खाना खाने का दिखाया। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद मॉपिंग कर लेती हूँ। तो मॉपिंग देखिए मैंने नहाने के बाद शुरू किया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी, नहीं तो अगर मैं पहले मॉपिंग कर लेती नहाने से पहले तो फिर क्या होता ना, मेरा पूजा का टाइम जो था ना वो फिर लेट हो जाती तो पूजा हो नहीं पाती। तो इसीलिए पहले मैंने क्या किया कि नहा के फटाफट मैंने पूजा ही कर लिया। और उसके बाद क्योंकि और बाथरूम भी धुला था तो बहुत ज़रूरी था पहले नहाना, तो इसीलिए मैंने नहा लिया। और उसके बाद फटाफट मैं पोछा लगा लूँगी और ऐसे ही मेरे काम मतलब चलते ही रहते हैं, जो कभी काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो घर साफ़ सुथरा होना तभी अच्छा लगता है। तो मेरे पास भी इतनी डेकोरेशन के लिए कि अच्छे से सजा के, जैसे मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कई के वीडियो कि वो अपने घर को कितने अच्छे से सजा कर रखते हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपने घर को भी ऐसे ही सजा कर रखूँ, पर देखिए अपने बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो ये है कि मैं अपने घर को पूरा क्लीन अच्छे से क्लीन करके रखना मतलब पूरी कोशिश करती हूँ। और बाकी रही बात डेकोरेशन की, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बजट होगा तो उस हिसाब से मैं करते जाऊँगी। मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपने घर को अच्छे से सजा के सुंदर से बना के रखूँ। तो देखिए आगे आगे जब आपके साथ ब्लॉग वगैरह शेयर करूँगी तो कुछ ना कुछ मैं तो ज़रूर खरीदूँगी घर के लिए। तो मुझे घर के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और खासकर मंदिर के लिए। तो धीरे धीरे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए उसके बाद मैं फिर से बर्तन धोने, मैं आपको बताया था ना मैंने कि हमारे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए मैंने जब सब ने रोटी वगैरह खा ली थी तब मैंने बर्तन सब वॉश कर लिए थे ये। उसके बाद फिर जब मैंने दोपहर का जब खाना बनाया ना तो उसके बाद फिर से बर्तन हो गए। तो मैंने साथ के साथ मैंने ये भी खाना बनाने के बाद उसके बाद ये भी बर्तन वॉश कर, तो ये उसके बाद मेरी लास्ट क्लीनिंग है दोपहर की। तो इसके बाद फिर मेरा बस अपना टाइम है, मतलब बर्तन धो लूँगी और उसके बाद सबको चाय बना के दे दूँगी और अपने हस्बैंड को सैलड जो कि मैं भी साथ में खा लूँगी। उसके बाद फिर वीडियो की थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी और फिर थोड़ा यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखूँगी और उसके बाद फिर से 5 बजे से फिर से मेरे शाम के जो काम है वो शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शाम के टाइम सब्ज़ी वगैरह उनको साफ़ कर लूँगी, कट कर लूँगी या फिर जो कुछ भी बनाना है उसके प्रिपरेशन करूँगी, या उसके बाद फिर धूप अगरबत्ती करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी, फिर वही सब मतलब जो शाम के टाइम हर एक हाफ बाइस के जो काम होते हैं वो कर लूँगी। और देखिए मेरा बेटा खुद से पानी निकाल के पी के चला गया फ्रिज में से,
मैंने उसको नॉर्मल पानी दिया था, फिर उसने मिक्स करके मतलब थोड़ा फ्रिज में से लेकर पी लिया। पर पीना तो नहीं चाहिए, बच्चों को नहीं पीना चाहिए, पर क्या करें, इतनी गर्मी है। देखिए मैं तो पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ नहाने के बाद भी, और साथ में मैं देखिए गैस को भी साफ कर लूँगी और लगे हाथ, मतलब मैं इस एक ही कपड़ा रखती हूँ, इतने तो सब लोग कहेंगे फिर कमेंट में, मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि आप एक ही कपड़े से ये कर लिए वो कर लिए। पर देखिए मेरा कपड़ा मतलब जो जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे तो कर ही सकते हैं, जैसे स्लैब वगैरह साफ़ कर लिया और नीचे के जो भी इसके ड्रॉर्स हैं तो उसके दरवाजे वगैरह को मैं इसी से साफ़ कर लूँगी। फ्रिज का जो बाहर का डोर है इसको अच्छे से साफ, कपड़े को अच्छे से निचोड़ लूँगी पहले, और उसके बाद फ्रिज के बाहर से डोर को ही साफ़ कर लूँगी। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो जाती है, और नहीं तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कपड़ा रखो या हर एक चीज़ के लिए मतलब क्लीनिंग के लिए अलग अलग चीज़ें रखो तो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसीलिए मैंने एक ही रखा है, उसी को अच्छे से खंगाल खंगाल के मतलब साफ़ कर लेते। देखिए अब मैंने चाय रख दी है, और चाय रखने के बाद सबको चाय देने के बाद उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।